इन आंकड़ों के साथ साथ अब आपको देश के सभी राज्यों की रिपोर्ट देखनी चाहिए, जहां कुछ इलाकों में 3 मई के बाद छूट मिल सकती है तो कई ऐसे इलाके हैं जहां लॉकडाउन और सख्त हो सकता है। ये देश का कोरोना मीटर है। पिछले 24 घंटे में इतने लोगों की डेथ हुई है और इतने लोग इसके पेशेंट हैं। कोरोना मीटर ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ये सवाल बहुत गंभीर है कि 3 मई के बाद क्या होगा, लॉकडाउन खोलेगा या नहीं। आज पीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन पर चर्चा की है। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक ग्रीन जोन वाले इलाकों को राहत मिल सकती है, ऑरेंज जोन वालों को भी खुशखबरी मिलने के आसार हैं, लेकिन रेड जोन वालों को अभी राहत मिलना मुश्किल है। देश में इस वक्त रेड जोन की संख्या है। भारत में कुल 747 जिलों में से 339 जिलों में एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया है, जबकि 408 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश जारी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक करीब 180 जिलों को रेड जोन में रखा गया है तो 228 जिले ऑरेंज जोन में हैं। 10 या इससे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले जिलों को रेड जोन में रखा गया है, जहां लॉकडाउन के दौरान कोई रियायत नहीं मिलेगी। हालांकि ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट मिल सकती है। इतना ही नहीं, देश में 85 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। 16 जिले ऐसे हैं जहां 28 दिन से कोई केस नहीं है। किस राज्य में कैसे हालात हैं, अब इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं देश के उन 3 राज्यों में जहां देश भर के आधे से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 4 जिलों में एक भी पेशेंट नहीं है। 36 में से 7 जिलों में सिर्फ एक पेशेंट है। इनमें वासिम, बीड, गोंदिया, हिंगोली, जालना, नंदूरबार, परभानी जिले शामिल हैं, जबकि 3 जिले ऐसे हैं जहां 2 कोरोना के मरीज हैं, यानी ये ऑरेंज जोन में हैं, और अगर 3 मई तक यहां एक भी केस नहीं आया तो ये ग्रीन जोन में बदल सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र के 23 जिले रेड जोन में शामिल हैं। इनमें मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, नागपुर, ठाणे जैसे जिले शामिल हैं जहां लॉकडाउन खुलने की संभावनाएं ना के बराबर है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं और इन जिलों को लेकर सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि कौन से जिले जो है वो ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में रहेंगे। ऐसे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के 36 जिलों में से विदर्भ के 3 जिले हैं, वर्धा, भंडारा और गढ़चिरौली, जहां पर अभी तक एक भी कोरोना का कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं पाया गया है और ना ही कोई मौत हुई है। तो ऐसे में 3 जिले जो है ये ग्रीन जोन में रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेड जोन की तो मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवड़, यवतमाल, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में ये जिले जो है वो रेड जोन में बने हुए हैं और इन जिलों में खास तौर पर कोई छूट या जो है लॉकडाउन में ढील मिलने की बिल्कुल भी संभावना नजर नहीं आ रही है। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात। गुजरात में अभी तक कोरोना के 3301 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में 15 जिले रेड जोन में हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 2181 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 104 लोगों की मौत हुई है। वडोदरा में 234 केस, जबकि 12 की मौत हुई है। सूरत में 526 केस आए हैं, 15 की मौत हुई है। आणंद में 49 केस आए हैं और 3 की मौत हुई है। राजकोट में 45 केस आ चुके हैं। बनासकांठा में 28 केस आ चुके हैं, मतलब इन जिलों में राहत मिलने के आसार कम ही हैं। इसके अलावा अमरेली, जूनागढ़ और देवभूमि द्वारका में एक भी केस नहीं है। 4 जिले ऐसे हैं जहां एक केस है, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, तापी में भी सिर्फ एक भी केस नहीं आया है, जबकि पोरबंदर, गीर सोमनाथ, नवसारी, साबरकांठा में 3-3 केस हैं, कोई डेथ नहीं हुई है। दमोह में 4 केस, वलसाड में 5 केस आ चुके हैं, 1 डेथ हुई है। खेड़ा और कच्छ में 6, मेहसाणा में 7 केस आ चुके हैं। अगर इन इलाकों में 3 मई तक एक भी केस नहीं आते हैं तो ये इलाके ग्रीन जोन में बदल जाएंगे। गुजरात का 65% केस अकेले अहमदाबाद में है। 27 जिलों में सिर्फ 11% केस हैं, जहां लॉकडाउन से राहत मिलने के आसार हैं। इस वक्त गुजरात की जो बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि राज्य में जो कोविड पॉजिटिव केस हैं उसके करीब 89% यानी 89% केसेस सिर्फ अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में हैं, और यदि इसमें राजकोट को भी शामिल कर दिया जाए जो कि एक अन्य बड़ा शहर है
तो ये संख्या 90% के भी पार चली जाती है, यानी राज्य के 90% केस चार बड़े स्पॉट्स पर हैं और इसीलिए इन्हें फिलहाल लॉकडाउन से अभी कोई रियायत मिलती नज़र नहीं आती है। राज्य में तीन जिले ऐसे हैं, मात्र तीन जिले, अमरेली, देवभूमि द्वारका और जूनागढ़, जहां पे अभी तक एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें सीधे तौर पर रियायत मिल सकती है। और इसके अलावा आठ और ऐसे जिले हैं जहाँ पर तीन से कम केसेज हैं, उन्हें भी काफ़ी रियायतें मिल सकती हैं क्योंकि वो ग्रीन जोन में हैं। इसके अलावा आठ ऐसे ज़िले हैं जो ऑरेंज जोन में आते हैं, 12 से कम केसेस हैं इन ज़िलों में। इसके अलावा जो बाकी ज़िले हैं वो सब रेड जोन में आते हैं, लेकिन उनके केसेस की संख्या को देखते हुए हो सकता है कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उसके अलावा बाकी इलाकों में रियायतें मिलें कुछ लिमिटेड एक्सेस के साथ। आप लिए चलते हैं भोपाल। महाराष्ट्र का मुंबई कोरोना की गिरफ्त में है, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, इनमें से 25 जिलों में एक भी केस नहीं है, जहां 3 मई को लॉकडाउन खोलने की पूरी संभावना है, जबकि 3 जिलों में सिर्फ एक केस आया है, जिनमें ढिंढोर, राजगढ़ और टीकमगढ़ शामिल है। इसके अलावा 4 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ 2 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिनमें बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी शामिल है। भोपाल में 415 केस आ चुके हैं। ऐसे में जबकि मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में 2121 मरीजों के साथ देश में चौथे नंबर पर आ चुका है, वहीं 107 मौतों के साथ मध्य प्रदेश इस वक्त देश के तीसरे नंबर पर है। माना जा रहा है 3 मई को खुलने वाले लॉकडाउन के बाद वो इलाके भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार और खरगोन जो रेड जोन में आते हैं, यहाँ पर लॉकडाउन कम से कम 8 से 10 दिन नहीं खुलने की उम्मीद है, सिवाय ऑरेंज जोन जिनमें कुछ आंशिक राहत मिल सकती है, और साथ में ग्रीन जोन में जो 24 जिले आते हैं उसमें कुछ उम्मीद की जा सकती है कि 3 मई के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक कुछ राहत जनता को देते नजर आएं। दिल्ली में 11 में से 9 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। दिल्ली के 95 रेड जोन ऐसे हैं जहां संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव मिलने की संख्या में जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। चिंता की बात यह है कि हाल के एक हफ्ते में रेड जोन की संख्या लगातार बढ़ी है। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ का निजामुद्दीन इलाका, जहाँ पर तबलीगी जमात के मरकज में देश और विदेश से लोग पहुंचे थे, जिनमें कई लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, इसलिए जो निजामुद्दीन इलाका है यहाँ से लॉकडाउन नहीं हट सकेगा। इसके अलावा जो दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है, जिसके एच ब्लॉक के 3 गलियों से 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, इसके अलावा जो जहांगीरपुरी का ही सी ब्लॉक है, वहां से एक ही गली से 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा जो जहांगीरपुरी थाना है, वहां पर एएसआई पत्नी समेत 7 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो जो जहांगीरपुरी का जो एच ब्लॉक है और सी ब्लॉक है, यहां से लॉकडाउन नहीं हट सकेगा। इसके अलावा जो चांदनी महल इलाका है, जो कि बिल्कुल दिल्ली के जामा मस्जिद से साथ लगता इलाका है, यहां पर भी कई कोरोना संक्रमित केसेस सामने आए हैं, जिसके चलते यहां से भी लॉकडाउन नहीं हट सकेगा। दिल्ली सरकार ने लगभग 100 जगहों को हॉटस्पॉट बनाया है, जहां से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनसे अलावा जितनी भी जगह है वहां पर कुछ शर्तों के साथ छूट जरूर मिल सकती है। अब बिहार की हालत देखिए। बिहार के 16 जिलों में एक भी केस नहीं है, जहां कोई केस नहीं है उन्हें राहत मिल सकती है। 3 जिलों में सिर्फ एक केस है, इनमें मधेपुरा, लखीसराय, जहानाबाद शामिल है। 4 जिलों में सिर्फ 2 केस हैं, भोजपुर, वैशाली, औरंगाबाद, बांका शामिल है। बिहार में शुरुआती दिनों में कोरोना के काफी कम मामले थे, लेकिन पिछले 4 दिनों में इसमें काफी तेजी आई है। बिहार के 22 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। 5 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, पटना, नालंदा, मुंगेर, सीवान और बक्सर। इन 5 जिलों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक ही व्यक्ति से अधिक लोगों तक संक्रमण पहुंचने का मामला भी अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन 16 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, ये एक राहत की बात है। बिहार सरकार की योजना ये है कि जिन इलाकों में लगातार मामले मिल रहे हैं, जो रेड जोन हैं, उन्हें अभी किसी तरह की राहत ना दी जाए, लेकिन जिन इलाकों में कोरोना का कोई भी केस नहीं मिला है उन इलाकों में राहत देने पर, छूट देने पर विचार किया जा रहा है। अब यूपी चलिए। यूपी के 25 जिलों में एक भी केस नहीं है, जहां राहत मिलने के आसार हैं। 12 जिलों में सिर्फ एक केस है, 4 जिलों में सिर्फ 2 केस हैं। यहां 3 मई के बाद लॉकडाउन से राहत मिलने के आसार हैं। लेकिन यूपी के 9 जिलों को हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है, जहां 3 मई के बाद छूट की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में कोरोना के केस मिले हैं, लेकिन 19 जिले ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील माना गया है, और इन 19 जिलों में 404 हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं।
और ये ज़्यादा सरकार के लिए मुश्किल बने हुए हैं ये ज़िले। और अगर हम आगरा की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में आगरा में कोरोना के केस मिल रहे हैं। यहाँ पे अब तक 77 हॉटस्पॉट्स बनाए गए थे जिनका दायरा 800 मीटर रखा गया था, लेकिन अब इसका दायरा 1 किलोमीटर कर दिया गया है। 33 हॉटस्पॉट्स आगरा में हैं, कानपुर में 26 हॉटस्पॉट्स हैं, लखनऊ जहाँ पर मरीजों की तादाद 200 के पार चली गई है वहाँ पर 21 हॉटस्पॉट्स हैं, मुरादाबाद में 21 हॉटस्पॉट्स हैं, इसी तरह से सहारनपुर, मेरठ, नोएडा, गाज़ियाबाद, इन ज़िलों में जो हॉटस्पॉट्स हैं, रेड जोन है, उन्होंने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। अब सरकार का ये कहना है कि 2 तारीख तक तो यूपी में किसी भी तरह की कहीं भी राहत नहीं दी जाएगी और 2 के बाद ये रिव्यू किया जाएगा कि 3 के बाद यूपी में क्या किया जाए। राजस्थान में जयपुर के हालत विस्फोटक है, जयपुर में केस बढ़ रहे हैं, जयपुर में 827 केस सामने आए हैं, जोधपुर में 370 केस सामने आए हैं, 33 जिलों में से 5 जिलों में 100 से ज्यादा केस हैं, मतलब यहां राहत मिलने के आसार ना के बराबर हैं। उत्तराखंड के 2 जिले अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में सिर्फ 1 केस है, जबकि 8 जिलों में कोई केस नहीं है। उत्तराखंड कोरोना पर सबसे तेजी से काबू पा रहा है, फिलहाल प्रदेश में 23 एक्टिव केस हैं, सबसे ज्यादा देहरादून में 25 केस, नैनीताल में 10, हरिद्वार में 7 केस और उधम सिंह नगर में 4 केस हैं।